वेलकम टू माय चैनल द कुक हाउस फ्रेंड्स। आज बनाएंगे हम मैंगो शेक। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। ठंडी ठंडी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस, तो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच जाए। तो हम भी ऐसे ही बनाते रहेंगे आप लोगों की ठंडी ठंडी आइसक्रीम रेसिपी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मैंगो शेक। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी रेसिपी। हमने यहाँ ले लिए दो मैंगो जिनको हम छील करके साफ कर लेंगे। आज बहुत यम्मी सा हम मैंगो शेक बनाने वाले हैं। इस तरीके से छील के साफ कर लेंगे दोनों मैंगो को। तो हम सारा पल्प निकाल लेंगे इस तरीके। तो यहाँ हमने पल्प निकाल लिया अपने दो मैंगो का, ये गुठली निकली है ये, तो हम कर देंगे साइड में। तो यहाँ ले लिया हमने मिक्सिंग जार, तो उसमें पीस के तैयार कर लेंगे। तो गाइस इसमें ऐड कर देंगे हम मीठे के लिए शुगर यानी चीनी, 4 स्पून डालेंगे हम। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं गाइस। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 1 गिलास ठंडा दूध लिया है गाइस हमने, तो आप लोग ठंडा ही लें। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून लगा देंगे हम इसमें वनीला आइसक्रीम। तो कर लेंगे हम दोबारा से ग्राइंड से एक बार। तो गाइस इसमें हम कर लेंगे शेक। आइसक्रीम थोड़ा सा ऐड कर देंगे मैंगो शेक दोबारा से। कर देते हैं गार्निश टूटी फूटी से ड्राई फ्रूट। तो हमारा यम्मी सा मिल्क शेक बनकर के तैयार है गाइस। तो गाइस हमारा मैंगो शेक बनकर के तैयार है। तो आप लोग भी पीजिए और बताइए कमेंट में कैसी बनी हमारी आज की रेसिपी। तो आप लोगों को पसंद आए तो आप भी इसे ठंडी ठंडी मैंगो शेक बना करके एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी बनाया गाइस। तो मिलते हैं एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।